बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पुलाव बिरयानी की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव सभी के घरों में बनता है, बिरयानी सभी के घरों में बनती है। पुलाव बनाने का एक ही तरीका है, यखनी बनाई जाती है, पुलाव तैयार किया जाता है। आज की जो रेसिपी है वो मैं होममेड मसाले से बनाऊंगी, यानी कि बिरयानी का मसाला घर का होगा। पुलाव बिरयानी के लिए हमने इसमें यखनी बनानी है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है, मुकम्मल देखिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले यखनी को बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए पैन में हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। पानी में इसमें इतना शामिल कर रही हूँ कि चिकन इसमें डीप हो चुकी है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को भी स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे। साथ ही तमाम साबुत गर्म मसाले भी कम मिकदार में शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक अदर तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, बादियान के फूल हैं, थोड़े सी लौंग है, काली मिर्ची हैं और सिनेमन स्टिक है। इसके अलावा हमने इसमें नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून सौंफ पाउडर है, इनको डाल देंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों को पोटली में डालकर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। अगर आप बीफ या मटन की पुलाव बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप गोश्त को 80% तक गला लीजिएगा। मैं चूँकि चिकन की बिरयानी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको इस पानी में 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी, यानी सिर्फ 10 मिनट के लिए तमाम चीज़ों के साथ आपने चिकन को पकाना है। चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर हमने जो प्रोसेस करना है उसमें मज़ीद चिकन टेंडर हो जाएगा तो टूट जाने का खदशा रहता है। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। इस वक्त चिकन को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन के तमाम पीसेस मैं इस पानी में से निकाल लूँगी। अभी जो स्टॉक बच चुका है इसको हम ढककर रख देंगे एक साइड पर। अगर चिकन के पीसेस इसी स्टॉक में रहेंगे तो मज़ीद ये टेंडर हो जाएंगे। तो तमाम पीसेस निकाल कर रख लेंगे। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, यहाँ पर हम बाकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। बिरयानी का कौरमा रेडी करने से पहले हम बिरयानी का ज़बरदस्त मज़ेदार सा होममेड मसाला बनाएंगे। जावित्री के पीसेस आप देख रहे हैं, जायफल भी हमने छोटे पीसेस में ही लेनी है, इससे ज़्यादा हम पीसेस नहीं लेंगे। 2 छोटी इलायची हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 सिनेमन स्टिक है, थोड़ी सी लौंग है। इन सबको हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। पिलफर्स अगर ये फाइन ग्राइंड नहीं होते हैं तो कोई इशू नहीं है, मोटे पीसेस का भी जायका बिरयानी में आ जाएगा। तो इसको फ़िलहाल बनाकर रख देंगे हम एक साइड पर। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़े पतीले में मैं सबसे पहले 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करूँगी। इसके बाद 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे। इस बिरयानी में मसाला ज़्यादा नहीं रेडी किया जाता, यानी प्याज भी कम शामिल की जाती है, टमाटर भी कम शामिल किए जाते हैं। प्याज के बाद हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे। ये वो गरम मसाले हैं जो हमने यखनी में भी शामिल किए थे, यहाँ पर भी हम थोड़े मिकदार में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। प्याज जिस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 1.5 पाव ऐड किए हैं, रफली काट कर शामिल किए हैं। 1 पाव से लेकर 1.5 पाव तक आप टमाटर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मसाला इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया जाता क्योंकि हम दम बिरयानी या तह वाली बिरयानी नहीं बना रहे हैं। पुलाव का जो सारा जायका है वो उसकी यखनी से आता है। तो यहाँ पर थोड़े से टमाटर शामिल करने के बाद मिक्स कर लिया है। अब मज़ीद इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हम पिसी हुई लाल मिर्ची भी शामिल कर देंगे, 2 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटरों को भी हमने मैश करना है। मसाले डालकर मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर साथ साथ नरम होते रहेंगे, इनको हम मैश करते रहेंगे। टमाटर मैश हो चुके हैं तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम ढककर रख देंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि इस मसाले का फ्लेवर चिकन में अभी आ जाए। 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इस वक्त 4-5 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, वो इसी तरह से पूरी होती है।
अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन स्टॉक शामिल कर देंगे। इस स्टॉक को मैंने छाना नहीं है, जितने भी गरम मसाले सब शामिल किए थे वो सब इसी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे। चिकन का जो स्टॉक था वो 4 कप के बराबर था, मज़ीद 4 कप मैंने ऐड किए हैं। मैं 1 किलो बासमती राइस की बिरयानी बना रही हूँ जिसमें 6 कप होते हैं, उस हिसाब से मैं इसमें 10 या 12 कप शामिल नहीं करूँगी, 8 या 9 कप ऐड करूँगी। पानी को मैंने ढककर रखा था, बॉयल आ चुका है तो इसमें सोक किए हुए बासमती राइस ऐड कर देंगे। इन चावलों को मैंने 30 मिनट्स के लिए सोक करके रखा था। अभी मुझे चावलों में पानी कम लग रहा है, चावल के लेवल से 1 से 1.5 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए, तो इससे मज़ीद 1 कप पानी ऐड करूंगी और इसके पानी के ड्राई होने का हम वेट करेंगे। पानी थोड़ा सा इसमें रह जाएगा, उसके बाद हम इसको दम पर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी इसका रिड्यूस हो चुका है, इतना पानी दम लगाने के लिए काफ़ी है। बस सरफेस पर हमने थोड़े से दूध में ज़्यादा फूट कर और केवड़ा एसेंस घोलकर ऐड करना है। आप इसमें दूध के अलावा पानी में भी केवड़ा एसेंस और ज़्यादा फूट कर घोलकर ऐड कर सकते हैं। दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार से पुलाव बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा स्टीम निकलने का वेट किया है, उसके बाद हम इसको एक साइड से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले और मज़ेदार से चावल बनकर तैयार हुए हैं, तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावल खिले खिले बने हैं, बहुत मज़े की ये पुलाव बिरयानी बनकर तैयार होती है। यखनी का इसमें अलग टेस्ट आता है, बिरयानी का जो मसाला हमने घर में बनाया था उसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगर आपने आज से पहले इस तरह की पुलाव बिरयानी पहले नहीं बनाई है तो यकीन करें बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। इसे अपनी मर्ज़ी की रायते, सैलेड और कबाब के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।